हेलो दोस्तों, मैं शिव संगम जायसवाल। हम आज आपको महाबलेश्वर के बारे में बताएंगे। अगर आप महाबलेश्वर घूमने आते हैं तो आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि इको पॉइंट हो गए, अर्थर पॉइंट हो गए, बहुत सारे पॉइंट आप घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और लोकेशन है जो कि यहाँ का गार्डन है। ये गार्डन के बारे में अगर आपको बताऊँगी तो बहुत ही घनघोर गार्डन है, और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। पूरा जंगली जंगल अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरा जंगली नज़ारा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं, जैसे कि फैमिली ट्रिप में आते हैं आप, तो वहाँ पे ग्रुप के साथ आप खाना खा सकते हैं, ग्रुप के साथ आप घूम सकते हैं, नेचुरल हवा ले सकते हैं। बहुत ही शानदार एरिया है ये, बहुत ही कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर बताऊँगा, अगर आप महाबलेश्वर जाते हैं तो एक बार आप इस गार्डन में ज़रूर आइए। और ये गार्डन का लोकेशन है मैप्रो गार्डन, जो है वहाँ से जस्ट 10 किलोमीटर के आगे ही लेफ्ट साइड में ये गार्डन का एरिया है। यहाँ पर आइए और इस नेचुरल के बारे में आप देखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर एक पेड़ के ऊपर इसके डिटेलिंग लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अभी गेड़ा, ये एक पौधा है, उसके बारे में आपको पूरा बताया गया है। ऐसे नानक प्रकार के यहाँ पौधे हैं जिसके बारे में पूरा आपको समझाया गया है, बताया गया है। तो आप इस वनस्पतियों का, इस नेचर का आप नॉलेज भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप यहाँ आके एक अच्छा सा ऑक्सीजन अपने आप को गेन कर सकते हैं। तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आप भी फ्रेश रहेंगे। इसलिए जब भी आप महाबलेश्वर आए तो इस एरिया में ज़रूर आइए, मेरा ये कहना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय, टेक केयर।